हाय फ्रेंड्स, मेरे तो नागपाल। देखिए, आज आपके लिए एक टोपी लेकर आई हूँ। मेरे व्हाट्सएप में जो है किसी ने ये फ़ोटो भेजी है मुझे कि ये टोपी उन्हें अपने बच्चे के लिए बनानी है। अब ये टोपी तो देखिए मैंने थोड़ा बड़े के लिए बनाई है, बट बच्चों के लिए अब जो है मैंने आगे इसमें अपने वीडियो में बताया हुआ है कि कितने फंदे किसके लिए थोड़ा सा डालेंगे, वो थोड़ा सा आइडिया मैंने दिया हुआ है। बाकी जितने बच्चे के लिए हम बनाना चाहते हैं उसके हर एक बच्चे के लिए अलग अलग फंदों का हिसाब होता है। आप ये देखेंगे, देखिए इस तरीके से दिख रही है आपको ये टोपी। ये देखिएगा, ये यहाँ पे ऐसी है और इस साइड से ये आपको इस तरीके से दिख रही है। नॉर्मल वूल ली है, 10 नंबर की सिलाई से बनाया है मैंने और इसमें हार्डली मेरे को जो है 80 ग्राम के आसपास वूल लगी है। और आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको जो है बताया है कि किस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो देखिएगा, ये इसमें पत्ती का शेप आया है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर लगती है ये टोपी जब पहनते हैं बच्चे। तो चलिए फिर से आप देखते हैं आगे कि किस तरीके से इसे हम बना सकते हैं और बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन जाती है। तो चलिए बनाते हैं, देखते हैं ये टोपी हम किस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए, नॉर्मल वूल ली है मैंने और 10 नंबर की सिलाई से जो है मैं इसे बना रही हूँ। इसके लिए आपको ज़रूरत क्या पड़ेगी, सबसे पहले थोड़ा सा बता दूँ आपको। एक तो नॉर्मल वूल है, 10 नंबर की सिलाई है और एक 10 नंबर की सिलाई जो हमारे पास शॉल बुनने वाली लंबी होती है। आप ये देखेंगे, ये देखिए कितनी लंबी है ये लंबी सिलाई भी आपके इसमें जो है काम आएगी क्योंकि इसमें हमारे फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। आप चाहे तो सर्कुलर नीडल भी यूज़ कर सकती है 10 नंबर की, पर अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इसे भी जो लंबी सिलाइयाँ होती है शॉल बनाने के लिए उसे भी यूज़ कर सकती है। तो अब देखिए करना क्या है हमने, अब देखिए हमें करना क्या है। इसमें मैंने 91 फंदे डाले हैं, नॉर्मल फंदे डाले हैं। आप चाहे तो डबल बॉर्डर भी डाल सकते हैं। जनरली मैं डबल बॉर्डर रिकमेंड करती हूँ क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो माथे पर ये आता है बॉर्डर, ये थोड़ा सा टाइट सा निशान पड़ जाता है, लेकिन अगर आप इसे डबल बॉर्डर डालोगे तो वो नहीं पड़ेगा। तो चलिए अभी मैंने आपको दिखाने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों की ये होती है कि आप इस तरीके से बनाते हो, आप दूसरा तरीका भी बताया कीजिए। नॉर्मल फंदे डाले हैं 91 फंदे डाले हैं और इसे मैंने जो है ये बॉर्डर बनाया है, 5.5 सेंटीमीटर का बॉर्डर है। आप चाहे तो इसे थोड़ा सा चौड़ा भी रख सकती है, थोड़ा कम भी कर सकती है। अब हमें क्या करना है, तो चलिए देखते हैं कि इसे हम किस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए, पहला फंदा तो जनरली मैं उतारती हूँ। अब इसके बाद हम 5 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए यहाँ पे हमें जाली डालनी है, तो ये फंदा मैं यहीं रहने दूंगी और इस पर हम इस तरीके से बनाएंगे। देखिएगा, तो यहाँ पे हमारी आप ये देखेंगे जाली डल गई। अगेन यहाँ पे अब जाली डालनी है और साथ में 12 फंदे उल्टे बनाने हैं, तो धागा यहीं रहने दूंगी और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये देखिएगा, आप ये देखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ इस सीधे फंदे के जो है आप ये देखिए जाली डल गई है और साथ में हमारे पास फंदे बढ़ भी गए हैं। हमें इसमें फंदे बढ़ाते हुए जाना है, घटाने अभी नहीं है। तो दोबारा यहाँ पे देखिएगा, इस पर मुझे जाली डालनी है, धागा यहीं रहने दूंगी और इसे हम इस तरीके से सीधा बनाएंगे, तो हमारी जाली डल जाएगी। ये देखिए, अब फिर यहाँ पे जाली डालनी है और 12 फंदे उल्टे बनाने हैं, धागा यहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। अगेन वही रिपीट हमें पूरी लाइन ऐसे ही करनी है, 12 फंदे उल्टे बनेंगे और एक फंदे पे आसपास जाली डलेगी, धागा यहीं है, इस फंदे पे जाली डालनी है, देखिए ये धागा यहीं है और 12 फंदे उल्टे बनाने हैं, बैक साइड है धागा तभी जाली डलेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। फिर से इस वाले फंदे पे जाली, धागा यहीं रहेगा, ऐसे लेंगे जाली बनाएंगे, धागा यहीं रहेगा और 12 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह। अब फिर से जाली डालनी है, धागा यहीं रहेगा, इस पे जाली डालेंगे ऐसे, अगेन यहाँ जाली डलेगी, धागा यहीं, बारह फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह। आप फिर से यहाँ पे जो है जाली डलनी है, धागा यहीं रहेगा, इसे आपने ऐसे किया, धागा यहीं रहेगा, बारह फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह। अब फिर से देखिए, इस वाले फंदे पे हमारी जाली डलनी है, धागा यहीं है, इस पे आपने ऐसे जाली डाली, अगेन जाली डलनी है, धागा यहीं है, अब दो दो चार दो छः फंदे, जो स्टार्टिंग में हमारे पास छः फंदे हैं, एंड में भी छः फंदे ही रहेंगे, धागा यहीं रखा, छः फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छः। अब पलट के आपने पूरी लाइन जो है हमने उल्टी बनानी है, ये पूरी लाइन उल्टी जाएगी ऐसे, इस तरीके से ये पूरी लाइन उल्टी जाएगी। अब यही दो लाइन आपने जो है दोहराते हुए जाना है, यानी कि हमारे पास इस जो हम टोपी बना रहे हैं, अब ये देखिएगा जाली है, इसे हमने एज इट इज़ ही बनाना है, ये देखिए इस तरीके से उल्टा, ये तो ये जाली बन जाएगी आपके यहाँ पे। अब हमें यही दो लाइंस जो है दोहराते हुए जाना है, यानी कि हमारे पास फंदे इसमें बढ़ते हुए जाएंगे, तभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि हमें जो है इसमें लंबी सिलाई की ज़रूरत पड़ सकती है। तो देखिए हम इसे इसी तरीके से ये दो लाइंस को कम से कम 10 से 11 बार जो है हमने जाली डालनी है, तो हमें यही दो लाइंस 10 से 12 बार जो है दोहरानी है। अब ये देखिए उल्टी लाइन हमारी पूरी हो गई, तो आप ये देखेंगे इस तरीके से आपकी ये जालियाँ डली है, साथ में फंदे भी बड़े हैं। अब फिर से हमें यही दोहराना है, यही दो लाइंस हमें दोहराती हुई जानी है, कम से कम हमारे पास ये जो जाली आपको दिख रही है 10 से 12 जालियाँ होनी चाहिए। एक्चुअल में आपको लंबाई अपने हिसाब से बच्चों के हिसाब से देखनी है, अगर छोटा बच्चा है और कम फंदे हैं कम वो है तो जालियाँ थोड़ी कम रखिएगा। अब एक बार और आपको दिखा देती हूँ, फिर आपने यही दोहराते हुए जाना है। अब ये देखिए पहला उतारने के बाद धागा आगे, पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच, फिर धागा आगे करेंगे, अब ये फंदा तो देखिए सीधा बनेगा, अब यहाँ पे ही इसी फंदे पे हमें हमेशा जाली डालनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो धागा आगे करेंगे अपनी तरफ, इसे सीधा बनाएंगे, अगेन धागा आगे करेंगे अपनी तरफ और इसे सीधा बनाएंगे, यानी कि आप ये देखेंगे ये जो उल्टे हैं वो उतने ही रहेंगे, वो बढ़ेंगे नहीं, और यहाँ पे जो फंदे बढ़ रहे हैं उन्हें हमें सीधा बनाते हुए जाना है, ठीक है। अब फिर से 12 फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह, ये बारह फंदे, ये पांच फंदे स्टार्टिंग में और लास्ट में हमारे पास छः छः फंदे हैं, यहाँ पे बीच में हमारे पास बारह बारह फंदे हैं, वो हमेशा उल्टा बनेंगे सीधी वाली लाइन में और उल्टी साइड पे उल्टे। अब ये जो तीन फंदे हमारे हो गए हैं, धागा आगे करके एक फंदा बनाऊंगी, अब इसी फंदे पर हमें जाली डालनी है, तो धागा अपनी तरफ किया ऐसे, इस पर बनाया तो ये आपकी जाली डल गई, फिर धागा अपनी तरफ किया फिर से इसे बनाया, जाली बन गई। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फंदे सीधे बढ़ते हुए जाएंगे, अगेन 12 फंदे उल्टे, अब ये पूरी लाइन आपने इसी तरीके से करनी है और उल्टी लाइन पूरी आप उल्टी करेंगे।
अब उल्टी लाइन आपने पूरी उल्टी करनी है इस तरीके से। अब देखिए उल्टी लाइन करके हम सीधे में आ गए हैं। अब यहाँ पे मैं इसमें सिलाई जो है चेंज करूँगी, लंबी सिलाई लूँगी, 10 नंबर की ही है ये देखिए। अब जो है आप ये देखेंगे फंदे बढ़ते हुए जा रहे हैं, उल्टे फंदे तो उतने ही हैं बट ये सेंटर के फंदे आप ये देखिएगा ये बढ़ते हुए जा रहे हैं। आपने यही चीज़ आप दोहराते हुए जानी है, सिर्फ हमें ध्यान से देखिएगा सेंटर में ही फंदे बनाने हैं, उल्टे हमने जितने स्टार्टिंग में किए थे उतने ही होने चाहिए। 1 2 3 4 5 अब ये एक उतारने वाले के साथ हमारे पास 6 फंदे हैं। अब ये देखिए धागा आगे करके ये फंदे तो सीधे बनेंगे जो हमारे बनते जा रहे हैं 1 2, यानी कि ये सीधे फंदे बढ़ते जाएंगे। आपने ध्यान इस चीज़ का रखना कि जाली हमेशा इन्हीं लाइंस पे जिस पे हमने डाली थी उसी पे डलेगी आसपास, ये देखिए तभी हमारी स्ट्रेट जाएगी और ये पत्ते का शेप जो हमारा जाना है वो जाएगा। अब यहाँ पे जाली डालनी है, धागा आगे, इसे आपने सीधा बनाया, अगेन यहाँ जाली डालनी है, धागा आगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे। अब 12 फंदे हमारे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, फिर धागा आगे, ये 2 फंदे सीधे, फिर जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, इस पे जाली डाली, अगेन जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे सीधे, अगेन 12 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब ये देखिए यही आपने जो है करते हुए जाना है, यही सेंटर वाले जितने भी आपको दिख रहे हैं वहीं के आसपास। मैं दो बार बार इसलिए बोलती हूँ कि आपसे गलती ना हो जाए कि आप यहाँ पे जाली डाल लें। पत्ता बनाना है तो ये फंदे सीधे जो हम जाली डालते जा रहे हैं वो सीधे बनते हुए जाएंगे और इसी एक फंदे पे जो हम हमेशा स्टार्टिंग से डाला है उसी पे हमारी जाली डलेगी। और जितने फंदे हमारे पास सेंटर में, हमने स्टार्टिंग में 12 12 फंदे उल्टे डाले हैं, स्टार्टिंग में 6, एंड में 6 एंड बीच में 12 12, वहीं रहेंगे और जो फंदे हमारे बढ़ेंगे वो सीधे बनते हुए जाएंगे यहाँ पे। तो अब इसे हम कम से कम जो है मैं जो समझती हूँ 10 से 12 बार हमें जाली बनानी है। अभी 2 ही जाली बनी है, ये 3री बन रही है, 7 या 8 जाली मैं और बनाऊंगी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। अभी आपने यही चीज़ रिपीट करते हुए जानी है। अब ये देखिए ये मैंने इस तरीके से जैसे आपको बताया वैसे ही बनाती हुई गई हूँ, तो 12 जालियाँ डाली हैं। आप ये देखेंगे, ये देखिए इस फंदे बड़े हैं, ये देखिए सारे फंदे इस तरीके से बढ़ेंगे, कहीं मैंने फंदा बंद नहीं किया है, इसीलिए ये फंदे जो है हमें इस तरीके से आएंगे। तो आपके पास जो है आप ये देखेंगे, देखिए कितने सारे फंदे हो जाते हैं। आप जो है हमें इसे शेप देनी है। अब हमने यहाँ पे बढ़ा लिए 12 फंदे, आप ये देखेंगे 12 जालियाँ मैंने डाली है, यानी कि इस साइड से 12, इस साइड से 12, ऐसे फंदे हमारे जो है बड़े हैं। अब इन्हें हम शेप किस तरीके से देंगे, कैसे बनाएंगे, वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। अब ये देखिए करने के बाद पहले मैं इसकी ये उल्टी सिलाई पूरी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरीके से इसे जो है करेंगे। ये सिलाई तो पूरी उल्टी जाएगी इस तरीके से।
चलिए देखिए, अब हम आगे सीधे वाले साइड पे, अब देखिएगा ये जो हमने पत्तियां बनाई हैं, ये जो डाली डाल के हमने फंदे बढ़ाए हैं, इसे हमने अब कम करते हुए जाना है। तो एक पत्ती की जो शेप मुझे चाहिए वो आएगी। अब देखिएगा कैसे करना है, ये फंदे तो एज इट इज़ रहेंगे। पहला उतारा आपने, पांच फंदे उल्टे बनाए, एक दो तीन चार और ये पाँच, धागा आगे करके अब जो है हमने यहाँ से दो का एक करना शुरू करना है। तो देखिएगा पहला फंदा उतारने के बाद इसे वापस ऐसे लूँगी, ये दो फंदे इस तरीके से पकड़ूंगी और दो का एक कर दूंगी ऐसे। अब बाकी फंदे हम सीधे बनाएंगे, जाली बनाना बंद कर देंगे। अब देखिए सारे फंदे हमने सीधे बनाने हैं। अब यहाँ पे हम जो है जाली नहीं बनाएंगे, जाली हमने यहाँ पे बंद कर दी है। अब ये देखिए लास्ट पे आ गए हम इस पत्ती के, तो ये जो दो फंदे हैं इन्हें भी हमने इस तरीके से दो का एक करना है, धागा आगे करके। ये 12 फंदे एज इट इज जैसे उल्टे बन रहे थे वैसे ही बनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये 12। अगेन फिर से पत्ती पे आगे देखिए, अब फिर से वही दो का एक करूँगी, इसे उतारूँगी ऐसे वापस लूँगी और इसे और इसके साथ वाले फंदे को ऐसे लिया आपने, दो का एक किया, फिर बाकी फंदे सीधे। अब यहाँ पे भी देखिएगा यहाँ पहुंचे हैं, तो ये हम दो का एक करेंगे इस तरीके से, फिर बाकी 12 फंदे वही उल्टे बनाएंगे। सारी लाइन हमने अब ऐसे ही करनी है, जो भी ये जितनी पत्तियां आपको ऐसे दिख रही हैं, अब हमने जाली नहीं बनानी है, दोनों तरफ से हर सीधी लाइन पे दो का एक करते हुए जाना है जब तक हमारे पास ये एक फंदा नहीं आ जाता। जो जितने हमने बढ़ाए हैं उतने फंदे हमें वापस घटाने हैं, और ये जो है आपका एज इट इज़ बनेगा। 12 फंदे जो हमने सेंटर सेंटर में रखे हैं वो उल्टे इसी तरीके से बनाए जाएंगे, और उल्टी लाइन पूरी उल्टी बनेगी जैसे हम बना रहे थे। तो आपको ये इस तरीके से ये दोहराते हुए जाना है। अब ये देखिए 12 फंदे उल्टे बनेंगे, उसके बाद फिर अगेन मैं वही दो का एक करूँगी। तो अब हमें यही जो है हर सीधी लाइन में ऐसे करना है और उल्टी लाइन पूरी उल्टी बनानी है जब तक हमारे पास जो हमने पत्ता बनाया है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, वहाँ पे एक फंदा होएगा आपके पास। ये देखिए फिर से उतारा, इसे लिया आपने, दो का एक किया, बाकी सारे फंदे सीधे। अब फिर से लास्ट में देखिए ये दो सीधे हैं, इन्हें हमने दो का एक करना है ऐसे। हमें उल्टे फंदे पे कुछ नहीं करना है, जो एज इट इज़ उल्टे फंदे थे 12 वो एज इट इज़ रहेंगे, बाकी हमारे को यही पत्ते की शेप देने के लिए इस तरीके से हर सीधी लाइन में करते हुए जाना है। तो चलिए अब पहले हम ये करते हुए जाएंगे, सीधी लाइन में इस तरीके से करेंगे। दोबारा एक बार आपको बता दूँ, देखिए सीधी लाइन में हमेशा ये जो सीधे फंदे हैं इनके यहाँ कॉर्नर के दो और यहाँ, ये हमें दो का एक करते हुए जाना है। तो देखिए आपने यही दोहराते हुए जाना है, सीधी लाइन में आपने इसी तरीके से दो फंदों का दो का एक करना है, बाकी सारे फंदे सीधे करने हैं और लास्ट में फिर से दो का एक करना है, और उल्टी लाइन आपने जो है उल्टी बनानी है। तो चलिए फिर हम इसे पहले दोहराते हुए जाते हैं, जब तक कि मेरे पास ये जो सीधा पत्ते हैं यहाँ पर एक फंदा ना रह जाए। मैं आपको इससे थोड़ा सा आगे करके बता देती हूँ कि हमें आगे लास्ट में किस तरीके से इसे करना है। तो चलिए पहले इसे बना लेते हैं,
और जब हमारे पास यहाँ पे तीन फंदे बचेंगे तो हम किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको जो है इसके बाद बताती हूँ। पहले हम इसी तरीके से आप ये देखेंगे करते हुए जाएंगे, उल्टे फंदे ऑलरेडी वही 12 फंदे उल्टे बनेंगे और इनमें हम घटाते हुए जाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया उसी तरीके से हर सीधी लाइन में आपने करते हुए जाना है। अब ये देखिए इस तरीके से मैं बनाती हूँ, इसे कम करती हुई गई हूँ जैसे मैंने आपको बताया। आप ये देखेंगे अब यहाँ पे मेरे पास जो है आप ये देखिए तीन फंदे रह गए हैं। अब इन तीन फंदों को किस तरीके से करूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिएगा ये उल्टे फंदे तो एज इट इज़ जैसे बना रहे थे हम वैसे ही बनाने हैं। ये उतारा और ये एक दो तीन चार पाँच, पाँच फंदे हमने उल्टे बनाए, धागा आगे किया। अब इस फंदे को आपने ऐसे उतारना है, ध्यान से देखिएगा, और इन दोनों को हमें दो का एक करना है इस तरीके से। और ये उतारा हुआ फंदा इसके ऊपर से आप ऐसे उतार देंगे तो आप देखेंगे इस तरीके से आया है ये। अगेन वही 12 फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये 12। अब ये देखिए 12 फंदे बनाए, अगेन धागा आगे, इसे उतारूंगी ऐसे, इन दो फंदों को दो का एक करूंगी और ये वाला फंदा इसके ऊपर से उतार लेंगे। अब पूरी लाइन आपने ऐसे ही करनी है, 12 फंदे उल्टे और इस तरीके से हमने बंद करना है। ये देखिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये 12। फिर धागा आगे, इसे उतारा, इन दोनों को आपने दो का एक किया और उतारा हुआ फंदा आपने इसके ऊपर से उतार दिया। अब पूरी लाइन हमने इसी तरीके से करते हुए जानी है। तो आप देखेंगे कि आपके पास जितने फंदे नीचे थे उतने ही फंदे ये आए हैं, यानी कि 91 फंदे हमारे पास वापस हो गए, बाकी सब हमने फंदे घटा दिए। अब ये देखिए लास्ट में हमने उसी तरीके से किया है। अब उल्टी लाइन आप ये देखेंगे ये सारा ऐसे आया है, अब उल्टी लाइन पूरी हमारी जो है उल्टी जाएगी। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपकी लंबाई जो है जो जिसके लिए भी आप बना रहे हो अगर वो पूरी नहीं हुई है तो हमें इसे बनाते हुए अभी जाना है। अब आप देखिएगा मैं ये दिखाती हूँ आपको कि ये कितना हुआ है। ये अगर हम यहाँ से देखते हैं इस तरीके से आप नापेंगे। अब ये जिसके लिए मैं बना रही हूँ बेसिकली बड़ी लड़की है, मतलब 10-11 साल का बच्चा है, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इतना और बनाना है और उसके बाद हमें इसे बंद कर देना है। तो देखिए ये कम से कम 8 इंच के आसपास तो बन गया है। और जनरली जो बड़ों की होती है, जैसे हम टीनेजर के ऊपर वाले जितने भी बड़ों के लिए बनाते हैं 9 या 10 इंच, इससे ज़्यादा हम लोग ज़्यादातर टोपी नहीं करते हैं। और बाकी थोड़ी जो लंबी रखते हैं जैसे बीन टोपीज होती हैं वो थोड़ी लंबी जाती है। ये टोपी जो हमारी अगर पूरी हमने एग्जैक्ट बनानी है तो 9 या 10 इंच, इससे ऊपर नहीं जाती है। तो अभी देखिए 8 इंच बन गया है। तो अब इसके बाद जो है पहले मैं उल्टी लाइन पूरी कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ आपको कि हम किस तरीके से करेंगे। तो अब ये देखिएगा ये लाइन तो पूरी जैसे हम बना रहे थे उल्टी उसी तरीके से बनेगी। ये उल्टी लाइन तो मैंने पूरी कर ली, अब यहां हम आ गए इस तरीके से। आप ये देखेंगे ये पत्ता बना है।
अब मुझे अगर लग रहा है, मैं आपको भी बता देती हूँ बार बार कि अगर आपको लगता है कि अभी छोटी है तो आपने इसे इतना बनाना है। बनाना क्या है, ये तो हम जो उल्टे बना रहे थे वो तो उल्टे ही बनाएंगे, जो ये एक फंदा है उसे हम सीधा करेंगे और उल्टी लाइन पूरी उल्टी करेंगे। तो अभी मुझे लगता है कि मैं 4 लाइन्स एटलीस्ट इसमें बनाऊंगी और उसके बाद इसे हम जैसे हम टोपी को शेप देते हैं उस तरीके से दूंगी। अब देखिए एक बार दिखा देती हूँ आपको, ये 5 फंदे उल्टे जैसे मैं बनाती आ रही थी वैसे ही बनाऊंगी। अब ये जो एक फंदा है इसे धागा आगे करके मैं सीधा बनाऊंगी, फिर बाकी 12 फंदे उल्टे, अब फिर से ये एक फंदा सीधा। तो यही मैं दोहराती भी जाऊंगी, 12 फंदे उल्टे करूंगी, एक फंदा सीधा करूंगी और उल्टी लाइन पूरी उल्टी करूंगी। एटलीस्ट 4 बार मैं इसे इसी तरीके से 4 लाइंस करूंगी। आप ये देखेंगे 4 लाइंस मैं इसी तरीके से करूंगी, उसके बाद इसे हम घटाएंगे। तो अगर आपको और भी बनाना हो, अगर आपको लगेगा कि आपकी लंबाई आपके जिसके लिए भी बना रहे हैं पूरी ना हुई हो, थोड़ा ज़्यादा बनाइए, या अगर लंबाई पूरी हो जाती है तो आप यहाँ भी घटा सकते हैं। इस चीज़ को मैं आपको बता रही हूँ कि आप यहाँ पे भी घटा सकते हैं, जैसे आपने कर लिया, अगर आपकी लंबाई पूरी होगी या जिसके लिए बना रहे हैं तो उसे आप वहाँ पे घटा दीजिएगा। चलिए पहले इसे मैं 4 लाइंस बना लेती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि इसको हम टोपी की शेप किस तरीके से देंगे। अब ये देखिए इतना बनाया मैंने, ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए था। आप अपने हिसाब से कीजिएगा, जितने जिसके लिए भी टोपी बना रहे हैं, अगर ये 9 इंच से कम रह रही है या आपको 8 इंच बनानी है, 7 इंच बनानी है, आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं आपका इसका हिसाब भी आपको बता दूंगी अभी आगे कि आप किस तरीके से किसके लिए कितना बनाएंगे। अब देखिए हमें घटाना किस तरीके से इस टोपी में, ये पहला फंदा उतारने के बाद पहले ये बनाऊंगी उल्टे, 1 2 3 4। अब देखिएगा धागा आगे करके, अब जो ये सीधा फंदा है इसके आसपास के फंदे आप देख रहे हैं, ये तीनों को हमें 3 का 1 करना है इस तरीके से, ऐसे ध्यान से देखिएगा। अब धागा वापस अपने आप आगे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 10 फंदे उल्टे बनाए, धागा आगे, ये सीधे के जो 7 उल्टे दिख रहे हैं आपको, इन दोनों को हमें, तीनों को हमें इस तरीके से लेना है और 3 का 1 कर देना है। पूरी लाइन हमें इसी तरीके से करनी है। फिर धागा अपनी तरफ, 10 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अगेन धागा आगे वापस करके इन 3 फंदों को हमें 3 का 1 करना। ध्यान रखिएगा जो सीधा फंदा है उसके आसपास के साथ में आपको फंदे एक एक लेने हैं। 10 फंदे उल्टे बनाएंगे, अब ये देखिए फिर से वही सीधी लाइन जो है उसके आसपास के दोनों फंदे तीनों को लेना है और 3 का 1 करना है। अगेन 10 फंदे उल्टे, फिर से देखिए ये 3 फंदे हैं इस तरीके से, पूरी लाइन ऐसे ही करनी है आपने और उल्टी लाइन हमें पूरी उल्टी करनी है। ये देखिए इस तरीके से है, तीनों को 3 का 1 किया आपने, 10 फंदे उल्टे,
ये तीन को तीन का एक किया, अगेन लास्ट के फंदे उल्टे। अब उल्टी लाइन आपकी पूरी उल्टी बनेगी, देखिए इस तरीके से बंद हुआ। अब उल्टी लाइन हमारी पूरी उल्टी जाएगी और उसके बाद फिर से हम यही रिपीट करेंगे, कम से कम दो से तीन बार हम इसे इसी चीज़ को रिपीट करते हुए जाएंगे सीधी लाइन में। उसी सीधे फंदे के आसपास हम तीन का एक करेंगे और उल्टी लाइन पूरी उल्टी बनाएंगे। दो से तीन बार ये चीज़ हम रिपीट करेंगे पहले। अब चलिए देखिए दूसरी उसमें आ गए। थोड़ा सा और एक बार और बता देती हूँ आपको कि जैसे मैंने इससे पहली वाली लाइन में बताया, अगर आप वैसा ना करना चाहे तो दूसरा तरीका भी आपको यहाँ पे मैं बता देती हूँ। आप ये देखिए उल्टे फंदे बना लीजिए। अब ये देखिए ये जो आपके पास तीन फंदे आए हैं जिनको आपको तीन का एक करना है, आपने दो फंदे ऐसे उतारने हैं, ध्यान से देखिएगा। एक फंदा बनाना है, धागा आगे करना है, ये मेरा धागा पीछे रह गया है, धागा आगे करना है। एक फंदा बनाना है और इस इन दोनों को आपने इसके ऊपर से उतार देना है। अब फिर से उल्टे फंदे हम बनाएंगे बीच में जो है। ये दूसरा तरीका आपको बता रही हूँ आप किस तरीके से उतार के उसे तीन का एक कर सकते हैं। जो पहला था वो भी बताया मैंने, अब ये देखिएगा ये आपके आए हैं बीच में सीधा है। इन दोनों फंदों को आपने धागा आगे करना है, ऐसे उतार देना है। फिर ये फंदा आप बनाएंगे और इन दोनों को आप इनके इसके ऊपर से इस तरीके से उतार लेंगे, बाकी फंदे उल्टे बनेंगे। ये देखिएगा ये दो फंदे आपने इस तरीके से ऐसे उतारने हैं बिना बुने हुए, इस वाले को बनाना है और इसको आपने इसके ऊपर से ऐसे ले लेना है। मैं अपने उसमें जो जब भी आपको वीडियोस में बताती हूँ थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट तरीके भी बता देती हूँ, एक ही चीज़ के दो तीन तरीके कि आप किस तरीके से कर सकते हैं, जो जिसको आसान लगता है वो वैसा करे। इसलिए मैं ये आपको अलग अलग थोड़े से तरीके बता देती हूँ कि कैसे करना है। अब ये देखिए दो फंदे ऐसे उतरेंगे, ये वाला फंदा बनेगा और ये दो फंदे इस तरीके से इसके ऊपर से जाएंगे। अब बाकी फंदे हमारे जो है उल्टे जाएंगे। अब आपने ये कम से कम, मैं एक और बार अभी इसको रिपीट करूँगी, ये दूसरी बार रिपीट कर रही हूँ, इसके बाद एक और बार यही चीज़ मैं रिपीट करूँगी और उसके बाद बताती हूँ आपको कि किस तरीके से करेंगे। उल्टी लाइन उल्टी ही जाएगी, ये देखिए उल्टी लाइन जो हमारी है वो पूरी उल्टी ही जाएगी। अब आपने उल्टी लाइन करनी है पूरी। अब देखिए उल्टी लाइन कर ली, फिर से सीधी लाइन पे है, ये थर्ड टाइम मैं कर रही हूँ और इसके बाद हम इसे जिस तरीके से करते हैं टोपी वैसे बनाएंगे। अब पहला फंदा तो देखिए उतारूँगी, उसके बाद एक दो दो फंदे उल्टे बनाए। अब फिर से वही जैसे करती आई हूँ, ये दो फंदे ऐसे उतारूँगी, इसे बनाऊँगी और इन दो फंदों को इसके ऊपर से ऐसे उतार दूँगी। अगेन ये फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छः। अब ये तीसरी बार कर रही हूँ, इसके बाद हम उसे एक बार में ही घटा के बंद करेंगे। देखिए दो फंदे उतारे आपने, एक बनाया, इन दो फंदों को आपने इसके ऊपर से ले लिया, फिर से उल्टे फंदे छः बनाएंगे। पूरी लाइन ऐसे ही करनी है आपने और उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी। ये देखिए उतारे आपने ऐसे, इसे बनाया, उतारे हुए दोनों फंदे आपने इसके ऊपर से ले लिए, फिर छह फंदे उल्टे। ये फिर से आगे हम ऐसे उतारा, इसे बनाया आपने, इन दोनों को इसके ऊपर से ले लिया। आप ये देखेंगे इस तरीके से आएगा ये, फिर छह फंदे उल्टे। पूरी लाइन ऐसे करेंगे और उल्टी लाइन आप पूरी
उल्टी करेंगे, उसके बाद बताती हूँ आपको कि किस तरीके से हम इसे बनाएंगे। अब ये देखिए इस तरीके से कर लिया। मेरे पास यहाँ पे जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19 फंदे मेरे पास इस समय बचे हुए हैं। अब देखिए उन्हें क्या करूँगी, मैं दो का एक करती हुई जाऊँगी पर उल्टे में, इस तरीके से देखिए ऐसे करूँगी, उल्टे में हर उसको दो का एक कर दूंगी इस तरीके से। पूरी लाइन ऐसे ही करूंगी, पूरी लाइन में दो का एक करती हुई जाऊंगी। अब ये देखिए लास्ट पे आ गए हम इस तरीके से, ये बचे हैं आपके पास जो है फंदे। अब आप चाहे तो इन्हीं को सुई में डाल के एक साथ कर सकते हैं या एक बार और कर सकते हैं, वो अब आप लोगों की मर्ज़ी है। मैं तो यहीं पे जो है इसको करूँगी तो ये एक अच्छा सा जो है गफ आएगा, तो मैं यहीं पे इसका धागा काट लेती हूँ, थोड़ा लंबा छोड़ूंगी धागा इसको करने के लिए, और इसे हम सुई में डाल के फंदे में डाल देंगे। अब ये देखिए इस तरीके से डालना है आपने। ये देखिए ऐसे आ गया, इस तरीके से डाला आपने, इसे खींच लेंगे आप, और फिर से एक बार और डालूंगी क्योंकि उससे थोड़ा सा क्या है, एक तो टाइट हो जाता है और जल्दी से टूटता नहीं है। देखिए उसी फंदों में मैं एक बार और इस तरीके से डालूंगी। ये देखिए इस तरीके से डाला, फिर से मैंने इसे खींचा, अब इसे हम खींच देंगे। ये देखिए थोड़ा सा टाइट खींचेगा बस, और इसे हम यहाँ से नीचे तक बंद कर देंगे तो आपकी जो है टोपी तैयार हो जाएगी। चलिए पहले इसे हम बंद कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिए ये आपकी जो कैप है इस तरीके से तैयार हो गई। आप ये देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से है ये, और ये पोर्शन इसका ऐसे बना है, ये देखिए
कितनी बढ़िया सी बनी है। अब मैंने इसके लिए एक पॉम्पम बनाया है, ऑलरेडी मैं अपने उस पर बता चुकी हूँ किस तरीके से बनाते हैं। ये आप चाहे तो इस पर इस तरीके से लगा सकते हैं, तो बहुत ही सुंदर सा लुक एक आता है इसका, टोपी का इससे, या और कुछ अगर आप चाहे लगाना तो वो भी लगा सकते हैं। अब देखिए पॉम्पम बनाया है तो इसमें मैं इसे लगाऊंगी। यहाँ से मैंने एक साइड से इस तरीके से डाला। अब ये जो मैंने इसकी लंबी थोड़ी सी रखी है वो सिर्फ इसीलिए रखी है कि इससे मैं इसको इसके अंदर जो है बांध पाऊँ। तो ये मैं ऐसे लूँगी और इस तरीके से निकाल लूँगी। ये देखिए एक साइड से हो गया। अब सेकंड तरफ से भी मैं इसी तरीके से, आप जब चाहे तो सुई से कर सकते हैं, इसे ऐसे डालूँगी और जो इसका दूसरा हिस्सा है वो लेके इसमें से निकाल दूँगी। अब ये यहाँ पे मैं इसे बांध दूंगी और साथ में सुई से इसे सिल भी दूंगी। तो ये देखिए इस तरीके से बांधूंगी इसे ऐसे, एक और नॉट, और बाद में मैं इसे यहीं पे टक कर दूंगी अच्छे से। ये देखिए ये आपने कर दिया, ये बाद में हम टक करेंगे इसे काट के। तो ये देखिएगा इस तरीके से आपका जो है कैप तैयार हो गया। बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ही सुंदर लगता है। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें जो टिप्स है थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। ये देखिए अब अगर आपने छोटे बच्चे के लिए बनाना है तो सबसे पहले चीज़, एक तो फंदे कम डालेंगे। ये जो फंदे हैं आपके, इससे कम से कम ये 91 डाले हैं, तो इससे थोड़ा सा छोटा बनाना है तो 80 जो है आप 7 के आसपास या 85 के आसपास डालेंगे। अब जब फंदे कम डालेंगे तो ये भी आपने कम करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नहीं तो पत्ती बहुत बड़ी बनेगी। जब आप छोटे बच्चे के लिए बना रहे होंगे, अब 2 या 3 साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं तो 70 फंदे डालिएगा, 71 या 69, और ये आपने जस्ट 7 या 8 या 9, उससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा, नहीं तो पत्ती बहुत बड़ी हो जाएगी उस बच्चे के लिए। तो आपने इसे थोड़ी सी कम करनी है ताकि ये पत्ती कम हो, यानी कि ये जो जालियाँ मैंने 12 डाली है आप 7, 8 या 9 डालिएगा और उसके बाद उसे बंद करना शुरू कीजिएगा, तो पत्ती थोड़ी छोटी बनेगी। और ये तो आप जो है ये सेंटर में भी जो मैंने 12 फंदे उल्टे डाले हैं, 10 फंदे 8 फंदे इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो थोड़ी पत्ती जो है आप ये देखेंगे जितना ये गैप है थोड़ी पास हो जाएगी। और इसे जो है आपने कम, ऑलरेडी मैंने बताया आपको कम करना है। तो चलिए अब आप इसे बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए कितनी खूबसूरत सी ये टोपी जो है, बहुत ही सुंदर लगती है। किसी ने जो है मुझे व्हाट्सएप पे भेजी थी कि ये आप प्लीज़ बता दीजिए कि ये टोपी किस तरीके से बनाई जाती है। तो देखिए कितनी बढ़िया टोपी जो है ये बनी है। तो चलिए फिर इसे बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।